हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज हमारे साथ फाइनली अवेलेबल है 2022 TVS Ntorq 125 XT एडिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, और टाइटल थंबनेल लेकर आप लोग समझ चुके होंगे, आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस स्कूटर की एक डिटेल रिव्यू शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा लेट में बिल्कुल हो चुका हूं फॉर दिस रिव्यू बिकॉज यहां पर इस स्कूटर आने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन मैं आप लोग को अश्योर करता हूं इस डिटेल रिव्यू के दौरान आप लोगों तक मैं इस स्कूटर की छोटी से छोटी डिटेल पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, कितना प्राइस पॉइंट पे स्कूटर आपको अभी अवेलेबल मिल सकती है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कलर पूरी तरीके से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और साथ ही यही बताने की कोशिश करूंगा कि माइलेज वगैरह आप लोगों को इस स्कूटर के साथ आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड भी आप लोगों को यही बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इस स्कूटर को इसकी क्लोज कॉम्पिटिटर पर कर सकते हैं, जो टॉप कॉम्पिटिटर मार्केट में उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं, तो क्या ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए वर्थ होगा या नहीं। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक इसकी डिटेल रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर में रहते हैं और टीवीएस की कोई भी स्कूटर या बाइक खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल राहुल टीवीएस कृष्णनगर को आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। साथ ही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए नए और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट लाते रहता हूँ। साथ ही कोई क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स, तो बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हैं, आईडी आपको भी आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 2022 TVS Ntorq 125 XT एडिशन का वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, XT स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी। जी हां फ्रेंड्स, और क्योंकि नई कलर, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका 360 व्यू देना चाहूंगा, उसके बाद प्राइस के बारे में बात करेंगे एंड देन हम लोग इसके चेंजेस के बारे में बिल्कुल बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग इसका जो कलर है वो बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर में आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। ये ब्लैक कलर नहीं है फ्रेंड्स, ये ब्लू कलर है और एक स्पार्कलिंग इफेक्ट बिल्कुल देती है। मैं थोड़ा क्लोजअप में जाकर दिखाना चाहूंगा, देखिए एक स्पार्कलिंग इफेक्ट यहां पर दे रही है। यहां पर आप देख सकते हैं ट्राइकलर आप लोगों को मिल जाता है, यहां पर टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल रही है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को स्मार्ट कनेक्ट ये जो मतलब ऐप है वो भी आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहां पर आप लोगों को मिल रही है, उसका स्टिकरिंग यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। कंपनी ये जो कलर है उसको कहती है नियॉन ग्रीन, ठीक है। तो आपको यही सिर्फ एक ही कलर मिल जाएगा एक्सटे वर्जन में फिलहाल के लिए, जो कि है नियॉन ग्रीन कलर। अगर मैं आप लोगों को फ्रंट में दिखाऊं, ये ब्लैक और आप देख सकते हैं नियॉन कलर में यहां पर दिया गया है। ये देखिए नियॉन कलर का स्टिकरिंग पूरी तरीके से दिया गया है। ये जो ब्लू कलर मैंने आप लोगों को अभी दिखाया जिसमें स्पार्कलिंग कलर का इफेक्ट है वो भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है। नीचे अगर आप आते हैं रेस्ट फ्यूल इंजेक्शन 125, उसके बाद नियॉन एंड देन अगर आप मडगार्ड पे आते हैं तो यहाँ पर भी ये नियॉन और ब्लैक कलर में आप लोगों को ये मडगार्ड मिल जाती है। अगर मैं आप लोगों को साइड व्यू दिखाऊं तो यहाँ पर भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दूसरी अगर आप स्कूटर्स में देखते हैं वहाँ पर आप लोगों को ये जो मटेरियल है ये आप लोगों को मेटल की मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को फाइबर की ही मिल रही है, ठीक है। मतलब कंपनी ये पूरी तरीके से कोशिश किया कि यहाँ पर इसकी जो वेट है उसको रिड्यूस किया जा सके। बहरहाल हम लोग कलर के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर आप लोगों को नियॉन कलर मिल रही है, हल्के से सिल्वर कलर का टच है और नीचे वही दोबारा मैं आप लोगों को बता दूं ये ब्लू कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर नहीं है। और अगर आप थोड़ी सी और पीछे आ जाते हैं यहाँ पर तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पर पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये वाला जो है ब्लू कलर में दिया गया है। Ntorq यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नियॉन कलर का ही है, लेकिन ये आप लोगों को 3D में मिल जाती है। 125 XT जो लिखा गया है ये आप लोगों को स्टिकरिंग मिल रही है, ये 3D में नहीं लिखी गई है। और यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं नियॉन कलर का टच बिल्कुल मिल जाता है थ्रू आउट, ये पीछे तक आती है जहाँ पर आप लोग फ्यूल रिफिलिंग कर रहे हैं। और ये जो ग्रैब हैंडल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भी आप लोग को ब्लैक कलर की मिल जाती है। पीछे अगर आप ये मडगार्ड वगैरह देखते हैं, ठीक है, टायर हैगर भी बोल सकते हैं इसको, वैसे तो टायर हैगर ये है नहीं, और ये जो स्ट्रक्चर है आप इसको भी ब्लैक कलर की ये देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आप लोग को एग्जॉस्ट तो यहां पर आप लोगों को क्रोम कलर की ये टच मिल जाती है ताकि इसको और ज्यादा प्रीमियम बना सके। कंपनी ने इसकी पूरी कोशिश की हुई है। सामने यहां पर अगर आप देखते हैं यहां पर भी अंदर आपको नियॉन कलर का टच मिल जाता है। और ये जो आप फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हैं ये भी आप लोगों को मतलब एक सिल्वर कलर में टच यहां पर मिल जाता है। और यहां पर आप आगे मैं आप लोगों को और बताऊं तो यहां पर टीवीएस इंटेलिको सिस्टम भी लिखी है। क्या है इंटेलिको सिस्टम आप लोगों को पता है, मुझे पता है ये बात, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आगे इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रेंड्स कलर के बारे में बात हो चुकी है। प्रेजेंस फ्रेंड्स देखिए, प्रेजेंस तो इसकी बेहतर है, ये नई मतलब नई मॉडल तो है नहीं, डिजाइन में यहाँ पर आप लोगों को कोई चीज देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ जो चेंज है वो कलर में हुई है और इसकी जो मीटर कंसोल उसमें चेंज हुई है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि प्राइस क्या मिल रही है इसके, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप इसको सुपर स्क्वाड एडिशन से कंपेयर करते हैं तो अराउंड 13,000 से 14,000 रुपये तक आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना हो रहा है। क्या ये जो आप एक्स्ट्रा पे कर रही हैं वर्थ है या नहीं, इसके बारे में हम लोग आगे इस यहाँ पर वीडियो के दौरान बिल्कुल मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और चलिए अभी प्राइस मैं आप लोगों को बता दूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता या फिर अगर आप स्पेसिफिकली कृष्णनगर के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो ऑनरोड प्राइस पे करना हो सकता है वो है 1,21,500 रुपीज़। अब मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या फिर इसके सराउंडिंग्स पर रहते हैं और इस स्कूटर को इस शोरूम से खरीदना चाहते हैं जो कि है राहुल टीवीएस कृष्णनगर, अगर आप लोग यहाँ पर मोटर रिडिफाइंड चैनल का अगर आप रेफरेंस देते हैं तो आप लोग को यहाँ पर कुछ डिस्काउंट भी अवेलेबल मिल सकता है। तो मतलब आप मोटा मोटी पकड़ सकते हैं कि 1,21,500 रुपीज़ इसका ऑनरोड प्राइस पड़ सकता है। तो ये प्राइस के बारे में बात हो चुकी
चुकी है। और चलिए अब मैं आप लोग को यहाँ पर चेंजेस बता दूँ, चार आपको मेन चेंजेस यहाँ पर दिखेगी। सबसे पहला जो चेंज आपको दिखेगा वो है इसे कलर। दूसरा, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल आप लोग को मिल जाता है, पूरी तरीके से न्यू है। आगे किस तरीके से फंक्शन करते हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये दो चेंज मैंने आप लोग को बताया है। थर्ड चेंज अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो ये जो आप यहाँ पर व्हील देख पा रहे हैं, अलॉय व्हील, ये पहले ऐसे नहीं आया करती थी, इसमें भी एक चेंज हुई है, तो ये थर्ड चेंज है। और फोर्थ चेंज अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो वो आप लोग को अंदर मिल जाती है, मतलब यहाँ पर जो बूट लैंप है उसको हटा दिया गया है और सिर्फ यहाँ पर जो चार्जिंग सॉकेट है वो कंपनी ने प्रोवाइड किया है। बहरहाल अगर मैं पहली वाली, मतलब वो जो आप वो सुपर स्क्वाड का वो जो एडिशन देख रहे हैं उसमें अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को बूट लैंप भी मिल जाती है। तो ये मोटा मोटी चार चेंजेस हुई है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर 13-14,000 रुपीज़ इंक्रीज किया व्हेन इट इज़ कम्पेयर्ड विद इट्स सुपर स्क्वाड एडिशन। तो ये फ्रेंड्स चेंजेस, प्राइस, लुक्स, अपीयरेंस सबके बारे में बात हो चुकी है। और चलिए अब इसकी जो एक्चुअल वॉक अराउंड उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, अगर यहाँ पर मैं ये अगर इसकी की अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हैलोजन में आप लोगों को ये जो टर्न सिग्नल है वो मिल जाती है। सामने में अगर आप देखते हैं तो टीवीएस के यहाँ पर आप लोगों को 3D लोगो मिल जाता है। ये जो आप पैनल देख पा रहे हैं ये प्लास्टिक की है, ये भी प्लास्टिक की है, प्लास्टिक या फिर उसको फाइबर कह सकते हैं। यहाँ पर ये पैनल भी आप लोगों को फाइबर की मिल जाती है। और जैसे यहाँ पर की ऑन करते हैं सामने यहाँ पर आप लोग ये DRL जलती हुई दिखती है। और जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे आप लोग यहाँ पर ये जो लो बीम है, हाई बीम है, ये जो हेडलाइट है ये आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये फ्रंट व्यू की बात हो चुकी है। और चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो की है वो ऑफ कर देता हूँ और थोड़ी सी नीचे आते हैं और अब बात करते हैं इसकी टायर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर फ्रंट टायर बताऊँ या फिर रियर टायर बताऊँ, दोनों ही TVS रेमोरा की तरफ से दी जाती है। और मैं आप लोग को इसकी जो सेक्शन उसके बारे में बता दूँ, यहाँ पर आप लोग को 100x80 सेक्शन की टायर मिल रही है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर अलॉय व्हील की, जो अभी आप लोग को न्यू मिल रही है, ये आप लोग को 12 इंचेस की मिल जाती है। और ये जो न्यू क्या है फ्रेंड्स, ये जो कट्स वगैरह आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पहले ऐसा नहीं आया करती थी, अभी ये डिफरेंट आ रही है। तो ये टायर के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। वहीं अगर मैं अभी इसकी रियर टायर के बारे में अगर बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 110x80 यहाँ पर सेक्शन की टायर मिल रही है, ये भी रेमोरा की ही है। और यहाँ पर जो सेक्शन है उसको चेक कीजिए, पहले जैसे आया करती थी अभी भी सेम आ रही है। 110x80 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, सामने में भी 12 इंचेस की है, पीछे में भी आप लोग को ये 12 इंचेस की अलॉय व्हील मिल रही है। तो टायर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए अब यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब देखिए जहाँ तक बात है सामने में ब्रेकिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आप लोगों को पेट्रोल डिस्क मिल रही है 220mm की, मतलब 220mm की यहाँ पर आप लोगों को पेट्रोल डिस्क मिल रही है। अब जैसे मैं आप लोगों को हर वीडियो में कहता हूँ, पेट्रोल डिस्क हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ड्यूरिंग ब्रेकिंग। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में सामने वाले की बात हो चुकी है। पीछे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 130mm की यहाँ पर आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिल जाती है। ठीक है, आप कोई भी वर्जन में चले जाइए, आप इंटॉर की, वहाँ पर आप लोगों को ड्रम ब्रेक ही मिलती है, डिस्क का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये ड्रम या यहाँ पर आप कह सकते हैं डिस्क और ड्रम ब्रेक के बारे में बात हो चुकी है। और चलिए सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सामने में टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है, यहाँ पर भी कोई चीज़ नहीं है। पीछे में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर ये जो सस्पेंशन है आप इसको कह सकते हैं कि ये गैस फिल्ड हाइड्रोलिक डैम्पर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गैस फिल्ड हाइड्रोलिक डैम्पर है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं जो गैस फिल्ड मैं कह रहा हूँ इसकी ये एक स्पेशलिटी बन जाती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को स्कूटर में मिलने वाली जो फ्रंट या फिर आप कह सकते हैं रियर सेक्शन में जितने टायर, ब्रेकर, सस्पेंशन उसके बारे में बता दिया। और चलिए अब इसकी जो मिड सेक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो की है वो दिखाना चाहूँगा। देखिए कुछ इस तरीके से दिखती है। चलिए दोबारा इसको की इंसर्ट कर देते हैं। और अब अगर यहाँ पर मिड सेक्शन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पोर्टियर से लुक है। ठीक है, कुछ चेंज तो नहीं हुई है जैसे पहले आ करती थी, सेम अभी आ रही है। देखिए आप लेग स्पेस के लिए आप लोगों को बहुत जगह दी जा रही है। अगर आप यहाँ फ्लोर वाली स्पेस देखते हैं तो ये भी आप लोगों को काफ़ी मिल जाती है। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर TVS रेसिंग लिखी गई है। और अगर आप यहाँ पर नीचे देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये फेक कार्बन फाइबर वाली फिनिश भी दी गई है। और ये आप देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर ये मतलब फाइबर की दी जाती है। ठीक है, और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखिए हल्की सी यहाँ पर आप लोगों को एक हैंगर दी जाती है, मतलब छोटा मोटा चीज़ अगर आप टांगना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल टांग सकते हैं। और अगर आप नीचे थोड़ी देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये हैंगर मिल जाती है। ठीक है, अगर आप छोटी मोटी चीज़ यहाँ पर भी टांगना चाह रहे हैं वो भी पॉसिबल है। नियॉन कलर वगैरह जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया वो तो मिलता ही है। साथ में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो आप कह सकते हैं कि जो पिलियन की जो फुटरेस्ट है वो भी यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बेहतरीन है। और चलिए अब मैं आप लोगों को इसकी जो इंजन है उसके बारे में आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर आप लोगों को 124.8 cc सिंगल सिलेंडर 3-valve एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ तो देखिए कंपनी यहाँ पर ये प्रिंटेड है, ये 3-valve की है। और इसीलिए भी आप कह सकते हैं कि एंटॉर की जो परफॉर्मेंस है वो दूसरी और जो 125cc की जो स्कूटर्स आती है उनमें ये एक काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करती है बिकॉज ऑफ दिस 3-valve टेक्नोलॉजी। अब पावर की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो इसकी जो रेस XV वर्जन आती है उससे ये 0.8 PS तक की पावर यहाँ पर कम मिल रही है। टोटल अगर पावर की बात की जाए तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर आप लोगों को 9.4 PS तक की मिल जाती है 7000 RPM पे। और जहाँ तक बात है टॉर्क की 10.5 Nm की यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क मिल जाती है। एक बात देखने लायक है, यहाँ पर आप लोगों को किक स्टार्ट ऑप्शन नहीं मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये TVS की जो यहाँ पर 3D इसको एनग्रेव भी किया गया
गया है। मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को कोई पिक की ऑप्शन नहीं मिल रही है। आप एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को ये साइड स्टैंड मिल रही है और डबल स्टैंड या फिर आप मेन स्टैंड कह सकते हैं, दोनों आप लोगों को मिल रही है। अब ये भी कह दूं, यहाँ पर साइड स्टैंड इंडिकेटर भी आप लोगों को दिया गया, मतलब साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दिया गया। इसका स्ट्रेट मतलब ये बनता है, कभी अगर आपकी गाड़ी में साइड स्टैंड लगी हुई है तो आपकी गाड़ी ऑन ही नहीं होगी, और जैसे आप गाड़ी ऑन करेंगे यहाँ पर बीप का साउंड मिलेगा। और चलते चलते भी कभी अगर आपकी साइड स्टैंड गिर जाती है स्कूटर की, तो आपकी जो स्कूटर है वो बंद हो जाती है और आपको एक्सीडेंट से बहुत हद तक राहत मिलती है। और चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटा सा कंपैरिजन दे देता हूँ विद इट्स वेरी क्लोज कॉम्पिटिटर, जो कि आप कह सकते हैं मैस्ट्रो एज है या फिर आप कह सकते हैं अप्रिलिया की स्टॉर्म या एसआर 125 है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर अप्रिलिया से अगर कंपेयर किया जाए तो अगर आप फ्रंट सेक्शन में टायर देखते हैं तो वहाँ पर आप लोग को बेहतर मिलती है, ठीक है। अगर आप वहाँ पर मतलब जो ब्रेक सिस्टम देखते हैं तो वो बिल्कुल सेम मिलता है। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ मैस्ट्रो एज के साथ, यहाँ पर अगर आप चाहे अगर मतलब टायर और ब्रेकिंग की बात करते हैं तो मैस्ट्रो एज से यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आप लोगों को दोनों चीज़ मिल जाती है, चाहे आप यहाँ पर ब्रेकिंग के लिए चाहे आप यहाँ पर टायर के लीजिए। वहीं अगर मैं यहाँ पर इसके रियर सेक्शन की बात करूँ तो अगेन अगर आप एसआर या फिर स्टॉर्म जो कि अप्रिलिया से आती है उसके अगर आप कंपेयर करेंगे तो टायर वहाँ पे आप लोगों को बेहतर मिलती है। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रेकिंग सिस्टम देखते हैं तो दोनों में आप लोगों को सेम मिलती है। अगेन अगर मैं इसको मैस्ट्रो एज से कंपेयर करूँ, ठीक है, मैस्ट्रो एज 125 से अगर कंपेयर करता हूँ तो वहाँ पर भी ब्रेकिंग सिस्टम सेम मिल जाती है। लेकिन वहाँ पर अगर आप टायर देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो टायर मिल रही है वो मैस्ट्रो एज से आप लोगों को बेहतर मिल रही है। जहाँ तक बात है यहाँ पर सस्पेंशन सिस्टम की, तो बहरहाल आप लोगों को तीनों में करीबन सेम देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को कंपैरिजन भी दे दिया विद इट्स क्लोज कंपेटिटर दैट इज़ मैस्ट्रो एज एंड एसआर या फिर आप कह सकते हैं स्टॉर्म 125 जो कि अप्रिलिया की तरफ से ऑफर की जाती है। और चलिए अब इसकी यहाँ पर जो डायमेंशन उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ, और उसके बाद इसकी जो मेन अट्रैक्शन है इसकी ये मीटर कंसोल उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर सीट हाइट की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को अराउंड 793 mm की सीट हाइट मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंटेड नहीं है तो आप कह सकते हैं कि अराउंड 780 से 790 mm तक यहाँ पर आप लोग सीट हाइट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है तो मेरे ख्याल से स्कूटर को आप मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात है कुछ नहीं की तो बता दूँ, चाहे यहाँ पर ये राइडर सीट हो चाहे यहाँ पर पिलियन सीट हो, कुछ नहीं, इज़ कम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कहूँगा, इज़ ऑन मीडियम साइड, ठीक है। अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह भी प्लान कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस स्कूटर में इस सीट के साथ आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल्स बहुत स्टडी दिया गया है, अगर आप पकड़ के बैठते हैं तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन गिरने का डर आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगी। तो ये सीट के बारे में बात हो चुकी है। और चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूँ इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 155 mm की। मतलब देखिए, अगर आप स्कूटर्स के हिसाब से देखते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन 155 ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है, तो आपको देख समझ कर चलाना होगा। अगर आप मतलब कोई पथरीले रास्ते पर जा रहे हैं, गड्ढे पर जा रहे हैं, बम पर जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा संभाल के बिल्कुल चलाना होगा। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि इसकी जो कर्व वेट है इज़ जस्ट 110 kg। अगर आप मैस्ट्रो से कंपेयर करते हैं उससे भी 1 से 2 kg तक हल्की है, या फिर अगर आप एसआर या फिर स्टॉर्म 125 से भी कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर 118 kg मिलती है। मतलब ये 7 से 8 kg तक यहाँ पर आपको ये हल्की मिलती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि पावर टू वेट जो रेशियो है उसकी वजह से भी इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत खास आप लोगों को मिल जाती है। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पर 3 valve है जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी बेहतर बनती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर टैंक कैपेसिटी कितनी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 5.8 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी मिल रही है और आप इसमें से अराउंड 40 से 45 किलोमीटर्स तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स, इसकी कंडीशन ये है, आप बहुत ज़्यादा ओवर नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सर्विस पर डाल रहे हैं। अगर आपने नई स्कूटर खरीदी है तो एटलीस्ट सेकंड से थर्ड सर्विस के बाद मेरे ख्याल से आप लोगों को 40 से 45 किलोमीटर तक की माइलेज इसमें मिल जानी चाहिए। वैसे अगर आप लोगों में से कोई भी ये स्कूटर यूज़ कर रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कीजिएगा कि आपको इसमें से कितनी माइलेज मिल रही है, ताकि हमारी पूरी मोटर डिपेंडेंट फैमिली को पता चल सके और अपनी अगर वो लोग कोई स्कूटर खरीदना चाह रहे हैं एंटॉर्क की तो उनको बाइंग गाइड में हेल्प मिल सके। और अब इसकी जो मेन आप कह सकते हैं जो अट्रैक्शन उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है इसकी मीटर कंसोल। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले मैं इसको ऑन करना चाहूँगा। और देखिए, सबसे पहले जब ये शुरू होती है तो TVS रेसिंग 1982 फिर इसका लोगो आता है एंड देन एंटॉर्क। यहाँ पर हाई राइडर लिख के आ रही है, आप यहाँ पर फोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए टाइम और जो डेट है वो भी यहाँ पर आप लोग को मिल जाती है। राइट स्टैट्स, लास्ट लैप देखिए, यहाँ पर 2 किलोमीटर टॉप स्पीड थी, ठीक है। कितने सेकंड्स में अचीव हुई है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है। और यहाँ पर लोग को फ्यूल गेज इंडिकेटर भी दिखता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 बटन दिया गया है, एक है मोड, एक है सेट का। यहाँ पर अगर मैं मोड बटन दोबारा प्रेस करता हूँ तो आप देखिए ये राइट स्टैट्स बेस्ट लैप आ रही है, ठीक है। यहाँ पर टाइम और डेट यहाँ पर आ रही है, देखिए जो बेस्ट जो लैप है यहाँ पर कितने टॉप स्पीड है, 24 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड यहाँ पर मैक्सिमम अचीव किया गया है, 12 सेकंड्स में अचीव की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को ये ओडो भी दिख रही है। और साथ ही मैं आप लोगों को दोबारा प्रेस करके दिखाऊंगा, देखिए 2 मोड है, स्ट्रीट और स्पोर्ट मोड, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रीट मोड में आप लोगों को देखिए इको और पावर, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इको और पावर की यहाँ पर आपको 2 साइन दी जाती है। अब देखिए इको में 100% चला गया है, पावर में 0%। अब देखिए ये इको एंड पावर मोड यहाँ पर कोई मतलब खास चीज़ नहीं है। अगर आप यहाँ पर सडन रेवरेज मान के चलिए 4-5 हज़ार RPM तक अगर आप चलाते हैं जब आपकी स्पीड स्लो है, ठीक है, मतलब कायदे में 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आप है, तो वो कंपनी यहाँ पर कहती है कि वो इको मोड है। ऊपर उसके ऊपर अगर आप चढ़ते हैं
तो ये पावर मोड में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है। और अगर आप इसको दोबारा प्रेस करते हैं देखिए, तो ये स्पोर्ट मोड में आ जाती है। और यहाँ पर ये जो कंसोल का ये जो चीज़ आप देखने को मिल रहा है, ये देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। जैसे आप यहाँ पर पावर मोड में आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ऑडो देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइमर देखने को मिला, और ये लैप सेटिंग्स यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती है, ठीक है। और चलिए अब मैं यहाँ पर इसको जो ऑन है वो करके दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप लोग ओडो दिख रही है। और यहाँ पर ये जो आप 1-2 देख रहे हैं, ये है इन 2000 RPM, मतलब यहाँ पर आप लोगों को ये जो टैको है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर मैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पर इंटेलिको सिस्टम है, तो यहाँ पर इसको आप अगर चाहें तो ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो किल स्विच था उसको कंपनी ने अभी हटा दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप दोबारा उसको प्रेस करते हैं तो बैटरी का कितना वोल्टेज है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाती है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये देखिए, क्योंकि ये ब्लूटूथ एनेबल्ड मीटर कंसोल है, देखिए मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया हुआ है, तो देखिए अब सर्च कर रही है पेयरिंग के लिए, ठीक है। अगर आप इसको स्मार्ट कनेक्ट ऐप के साथ अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्स्ट्रा, मतलब उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए कंपनी यहाँ पर कहती है कि आप यहाँ पर स्मार्ट एक्सट्रैक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका स्ट्रिक्ट मतलब ये बनता है कि सोशल मीडिया नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। जैसे मान लीजिए फेसबुक हो गई, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट्सअप हो गया, या फिर यहाँ पर इंस्टाग्राम की अगर कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर आती है तो वो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगी। अगर यहाँ पर मान के चलिए कोई कॉलिंग कर रहा है आपको, ठीक है, तो उसका फोटो के साथ यहाँ पर आपको वो नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बेस्ट लैप जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है, ठीक है। फूड डिलीवरी नोटिफिकेशन, मतलब अगर स्विगी में आप लोगों ने कोई ऑर्डर किया हुआ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। ई कॉमर्स अलर्ट, ठीक है, अगर आपने अमेजन में कोई चीज़ ऑर्डर की हुई तो वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। और कंपनी कहती है यहाँ पर आप लोग को स्मार्ट एक्सट्रैक्ट भी मिल जाता है, मतलब लो फ्यूल अगर है वो भी यहाँ पर आप लोग को वार्निंग आ जाती है, ठीक है। क्रिकेट का लाइव स्कोर आप लोग को यहाँ पर दिख जाता है, वॉइस असिस्ट भी आप लोग को दिख जाती है। अब देखिए वॉइस असिस्ट कैसे एक्टिवेट करना है वो यहाँ पर लिखी है। जैसे आप यहाँ पर इसको ये लॉन्ग प्रेस करते हैं ना, तो इसका आपकी जो वॉइस असिस्ट है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो अपग्रेडेड नोट, यहाँ पर इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो देखिए और भी सारी ऑप्शन, जैसे कि आप यहाँ पर ये जो टाइम है वो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो डेट है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो ब्राइटनेस है उसको एक्सेस किया जा सकता है। दोबारा अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, ये देखिए, तो जो नॉर्मल जो यहाँ पर जो मीटर कंसोल थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता था, अब भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी इसका जो डिस्प्ले है उसको अपडेट किया गया, ठीक है। मतलब टर्न बटन नेविगेशन जब आप डेस्टिनेशन रीच कर जाते हैं तो उसके लिए अलग सा डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि पूरी तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। और अब ये सारी जो चीज़ें फ्रेंड्स नॉर्मल है, ठीक है, अगर मैं दोबारा इसको प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, मतलब लैब की यहां पर आप लोगों को टाइमिंग दिखाई जा रही है, ओडो यहां पर आप लोगों को दिख जाता है नॉर्मल में अगर आप देखते हैं। अब अगर आप लैब वगैरह नहीं देख रहे हैं तो यहां पर ओडो और यहां पर ट्रिप वगैरह दिखाई जाती है, क्योंकि यहां पर अभी ये फ्यूल कम है तो यहां पर अभी आप लोगों को एफ दिख रही है। और फ्रेंड्स जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि यहां पर आप जो इंटेलिको सिस्टम है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो सबसे पहले चलिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को जो इंटेलिको सिस्टम मिल रही है एक्चुअल में इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। मान के चलिए आपकी जो स्कूटर है आइडल पे खड़ी है, ठीक है, 5 से 10 सेकंड आपकी स्कूटर आइडल पे है, मतलब आप ट्रैफिक पे खड़े हैं, तो स्कूटर अपने आपको ऑलरेडी शट डाउन कर ली थी ताकि यहाँ पर आपकी जो माइलेज है उसको मतलब इंक्रीज़ किया जा सके। और जैसे ही आप यहाँ पर मतलब ये रियर ब्रेक पकड़ के जैसे हल्का सा थ्रॉटल देते हैं आपकी जो स्कूटर है वो दोबारा ऑन हो जाती है। इस तरीके से कंपनी ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो माइलेज है उसको इन्हांस किया जा सके, क्योंकि आप समझ रहे हैं इंडिया में मतलब दिन ब दिन जो पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये बहुत स्मार्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर कंपनी ने बिल्कुल यूज़ किया है टू इंक्रीज़ द माइलेज। और अभी अगर मैं आप लोग इसकी जो रियर सेक्शन है वो दिखाऊँ, तो जो पहली जो आप लोगों को यहाँ पर जो पुरानी टेल लैंप आकर दी थी, सेम टेल लैंप आप लोग को अभी मिल रही है। और पीछे के अगर आप यहाँ पर स्टर सिग्नल देखते हैं वो अभी भी आप लोगों को हैलोजन में ही मिल रही है। और साइड में आप लोगों को दिखा दूँ, ये रिफ्लेक्टर आप लोगों को मिल रही है, और ये लेडीज़ फुटरेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, अगर आप इसको ऑफ करते हैं, ठीक है, एक बार मैं इसको की यहाँ पर निकाल के आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, अगर आप राइट टर्न करते हैं तो जो सीट है वो ओपन हो गई है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर ये जो बूट लैंप है कंपनी ने भी हटा दिया है। अगर आप यहाँ पर इसकी जो सुपर स्क्वाड एडिशन में चले जाते हैं तो अभी भी बूट लैंप वहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर जो चार्जिंग सॉकेट है वही मिल रही है। और अगर यहाँ पर बूट स्पेस की बात की जाए, मेरे ख्याल से अगर आप एक हाफ फेस हेलमेट रखना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से सही तरीके से रख सकते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। और अगर आप हल्के से इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो ये बंद हो जाती है। और अगर आप इसको लेफ्ट में प्रेस करते हैं, देखिए जो फ्यूल लिड है ये भी ओपन हो जाती है, आपको उतरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कंफर्ट की भी चीज़ आपकी बन जाती है। और माइलेज के बारे में कितने लीटर का टैंक है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। हल्का सा रिफर देते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है, और की मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई हुई है जो कुछ इस तरीके से दिखती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को इसकी जो राइट सेक्शन है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ मतलब वैसा कुछ डिफरेंसेस नहीं है जैसे आप लोगों ने लेफ्ट में देखा है, सेम वैसे ही है। चलिए अब मैं इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी आप लोगों को एक बार सुना देता हूँ। यहाँ पर वॉइस असिस्ट का दिया हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा। हाँ, एक चीज़ मैं बोल रहा था वो है इसका, ये देखिए यहाँ पर जो हैजार्ड लैंप है वो देखिए, ये हैज़र्ड लैंप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बिल्कुल सही चीज़ है कंपनी ने दी हुई है यहाँ पर। और चलिए अभी इसको ऑफ कर देते हैं और आपको मैं अभी इसके एग्जॉस्ट नोट सुना दूँ।
पर आप लोगों को डायरेक्ट ऑफ करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्सपी अगर आप रेस एक्सपी वर्जन देखते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पर इसकी जो आवाज़ है थोड़ी ज़्यादा बेसियर फील होती है। यहाँ पर आपको इसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा बेसियर तो फील नहीं होगी, लेकिन रिफाइनमेंट आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आती है। तो ये एग्जॉस्ट का जो साउंड है ये भी आप लोगों को दूसरी 125 सीसी की बाइक्स या फिर आप कह सकते हैं स्कूटर से आप लोगों को मतलब बेहतर तो बिल्कुल देखने को मिलती है। और सीट में एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को ये मतलब फेक कार्बन फाइबर वाली फिनिश मिलती है और डुअल टोन यहाँ पर आप लोगों को ये स्टिच मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है इसकी मतलब स्टेबिलिटी के बारे में। हाई स्पीड पर भी ये स्कूटर बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है, उसका एक कारण तो है कि इसकी जो सस्पेंशन है वो बहुत सही है। दूसरी अगर मैं आप लोगों को कारण बताऊँ तो वो है इसकी हाई रिजिडिटी अंडरबोन ट्यूबुलर फ्रेम। और अब अगर मैं यहाँ पर इसके हैंडल बार के बारे में आप लोगों को बताऊँ तो मतलब क्वालिटी पहले भी अच्छी थी, सेम क्वालिटी अभी भी आ रही है। स्पेशली यहाँ पर जो बार एंड की क्वालिटी है ये बहुत सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रियर ब्रेक है और साथ में यहाँ पर जो एक्सटर्नल ब्रेक और दी गई है। अगर आप इसको अगर हार्डली प्रेस करते हैं तो अगर आप इंक्लिनेशन पर जा रहे हैं और अपनी गाड़ी को खड़ी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इस ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए, और जैसे ही आप यहाँ पर ये दोबारा प्रेस करते हैं ये हट जाती है, ठीक है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाई बीम लो बीम और ये यहाँ पर इंटीग्रेटेड फास्ट्रैक का स्विच दिया गया है। और ये एक बार मैं इसको गाड़ी को ऑन करना चाहूँगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो टर्न इंडिकेटर्स है इसका भी स्विच यहाँ पर दिया गया है। एक बार गाड़ी को ऑन हो जाने दीजिए, ये देखिए टर्न इंडिकेटर का स्विच यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, बहुत सही है। और नीचे है हॉर्न जो है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लाउड है, ठीक है। एक बार मैं आप लोग को यहाँ पर भी दिखा देना चाहूँगा, ये जो फ्यूल इंडिकेटर है या फिर आप कह सकते हैं जो मेल फंक्शन लाइट है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखती है। राइट साइड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पर आप लोगों को जो TVS इंटेलिको सिस्टम है उसको ऑन ऑफ करने का स्विच यहाँ पर आप लोग को मिलती है। आप देख सकते हैं ये अभी ऑन है तो ये आप लोग को अभी दिखा रही है, ऑफ कर देते हैं। और नीचे आप लोग को मैंने ये हैजार्ड लाइट जो है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखाई हुई है, और नीचे है इग्निशन ऑन करने का स्विच, जो मैंने आप लोगों को इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो बिल्कुल सुना दिया है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को इसकी जो फीचर्स है या फिर आप कह सकते हैं जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। और एंड में जैसे मैंने आप लोगों को कहा था शुरुआत में ही कि मैं आप लोगों को इसकी जो कंपैरिजन है वो देते हुए मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आप लोगों के लिए ये स्कूटर खरीदना सही होगा या नहीं। अब देखिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसकी जो क्लोज कॉम्पिटिटर बन सकती है वो है हीरो मैस्ट्रेज 125 और SR125 एंड आप कह सकते हैं कि एप्रिलिया का जो स्टॉर्म 125 है वो इसकी क्लोज या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन सकती है। आप देखिए एक्सेस 125, एक्टिवा 125, ठीक है, उन सब से मैं इसकी कंपैरिजन नहीं करूंगा कि वो कहीं ना कहीं एक कम्यूटर सेगमेंट की स्कूटर बन जाती है, लेकिन ये जो स्कूटर आप देख रहे हैं इसको कंपनी ने पूरी तरीके से स्पोर्ट्स स्कूटर बनाई हुई है। अब देखिए किसको खरीदना चाहिए, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं मैस्ट्रोइड से तो कोई भी आप चीज़ इसमें देख लीजिए वो आप लोग को मैस्ट्रोइड से बेहतर ही मिलती है। मतलब वहाँ पर भी आप लोग को ब्लूटूथ मिलता है, यहाँ पर तो ब्लूटूथ मिल ही रही है, भर के यहाँ पर आप लोग को और सारी भी फीचर्स दे रही है कंपनी, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर ब्रेकिंग देख लीजिए या फिर टायर देख लीजिए, सब कुछ आप लोगों को मैस्ट्रोइड से बेहतर ही मिलती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पर 5 से 10 हज़ार रुपये अगर आप ज़्यादा लगा सकते हैं तो बिल्कुल मैस्ट्रोइड के ऊपर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। वैसे मैस्ट्रोइड भी बहुत सही गाड़ी है, 125 जो आती है मैस्ट्रो की, ठीक है, वो भी बहुत सही है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा अगर आप एनहांस्ड अगर सेफ्टी चाह रहे हैं और ज़्यादा फीचर चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से 10 से 15 हज़ार रुपये आप ज़्यादा डालिए और ये स्कूटर आप बिल्कुल खरीद लीजिए ओवर मैस्ट्रो एज 125, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अब देखिए अगर आप यहाँ पर SR125 में चले जाते हैं जो कि अप्रिलिया की तरफ से ऑफर की जाती है, वहाँ पर आप लोग अराउंड 15 से 17 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन अब एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, मतलब आप दोनों बाइकों मतलब दोनों स्कूटर को अगर आप कंपेयर करते हैं तो सिर्फ अगर आप चक्का देख रहे हैं तो सिर्फ चक्का ही यहाँ पर वहाँ पर आप लोगों को 120 सेक्शन की मिल रही है, यहाँ पर आप लोगों को 110 सेक्शन की मिल रही है। उसके अलावा मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोगों को और कोई मतलब डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ब्रेकिंग सिस्टम भी आप लोगों को वहाँ पर थोड़ी सी बेहतर मिलती है, लेकिन आप यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन सेम है, ठीक है। मतलब 5-10 हज़ार रुपया मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ इसमें आप लोगों को जो फीचर मिल रही है वो बहुत बढ़िया मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर अगर आप चक्का देख रहे हैं मैं दोबारा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इसके अगर आप यहाँ पर ये सेक्शन देख रहे हैं 110 सेक्शन की है, यहाँ पर भी आप लोगों को ग्रिप काफ़ी बेहतरीन बन जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप SR125 पे जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को चक्का थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों को ओवरऑल अच्छी स्कूटर चाहिए जहाँ पर आप लोगों को अच्छी ग्रिप मिल रही हो, अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम मिल रही हो और फीचर टॉप ऑफ ऑल अगर आपको बहुत ज़्यादा फीचर चाहिए तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एंटॉर्क 125 XT एडिशन बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वर्डिक्ट, आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को ये स्कूटर कैसी लगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।